दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच फिल्म के ही एक एक्टर ने पुष्पा 2 फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। एक्टर के मुताबिक ये फिल्म इस साल यानी 2022 के अंत तक रिलीज होगी। वेल दोस्तों, इन दिनों साउथ की फिल्मों का जबरदस्त बोलबाला है। पिछले कुछ समय में रिलीज हुई फिल्में जैसे पुष्पा, RRR और KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया है। वहीं फैंस इनमें से अब पुष्पा के बाद पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है कि इसका सेकेंड पार्ट कब आएगा। दोस्तों, इस फिल्म के ही एक एक्टर ने इस फिल्म की रिलीज डेट बता दी है। पुष्पा में मेन विलन्स में से एक का रोल करने वाले सुनील ने मीडिया से बातचीत में बताया कि फिल्म 2022 के आखिर में रिलीज होगी। इसके अलावा सुनील ने फिल्म में होने के लिए पूरा क्रेडिट पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन को दिया है, क्योंकि उन्होंने उनमें विश्वास किया। सुनील ने बताया कि वो पुष्पा 2 में भी रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल सुकुमार स्क्रिप्ट पर दोबारा से काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो ऐसे डायलॉग्स फिल्म में रखना चाहते हैं जो ऑडियंस को बांध कर रखे, यानी पुष्पा 2 में एक नए अंदाज में डायलॉग्स पर काम किया जा रहा है। तो इस खबर के आने के बाद से ही फैंस के बीच अच्छा खासा एक्साइटमेंट है। वहीं पुष्पा की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसके अगले पार्ट का बजट बढ़ाने पर भी विचार किया है। आपको बता दें कि पहले पार्ट पर 194 करोड़ का खर्च हुआ था, वहीं इस बार मेकर्स 400 करोड़ का दाम लगाने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसलिए फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन भी अपनी फीस बढ़ाने वाले हैं। खबरों के मुताबिक इस बार वो फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में अल्लू अर्जुन की भिड़ंत फहद फाजिल से होगी, जो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है। फिल्म पुष्पा के अंत में इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत दिखाई गई थी, जो पुष्पा 2 में चरम पर पहुंचेगी। वेल दोस्तों, पुष्पा 2 को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।